भाई भाई डोंट वेरी, एकदम सही वीडियो पकड़े हो, एकदम सही वीडियो पकड़े हो। टाइम वेस्ट नहीं होगा, बता नहीं रहा हूँ बट आपको पता चल जाएगा। दो मिनट रुक जा, तेरा पकड़ने आ रहा हूँ। दो मिनट में वीडियो, दो मिनट रुक जा। सो हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी ओवरली आर द सेकंड मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ इंडिया। लाइफ में आपको कभी बैड बॉय एटीट्यूड व्हाट्सएप स्टेटस हिमेश रेशमिया बनने का मन हुआ है? इफ येस देन दिस इज द टाइम टू शाइन। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बी अ बैड बॉय इन स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इवन इफ यू आर अ फिटस यू कैन बी अ सिग्मा। तो देखते हैं ये वीडियो एंड देखते हैं कैसे हम सिग्मा मेल्स बन सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया है कि भाई सिग्मा मेल इन कोचिंग सेंटर्स, इन ट्यूशन, इन स्कूल्स, इन कॉलेज में कैसे रहता है, क्या उसकी स्ट्रगलिंग रहती है, क्या वो करता है, क्या वो ऐसा करता है कि सभी उसके दीवाने रहते हैं। भाई हमें वो जानना है, हमें वो पहचानना है, हमें खुद के। ब्रो अगर तू अपने बबले का आधा पार्ट दिखा रहा है और एक पर्पल कोट पहन के, तो कुछ ना कुछ मर्द तो तेरे दीवाने होंगे ही, बट ट्रस्ट मी एक फ्रेंडली सेंटिमेंट में नहीं। बारे में जानना है कि भाई सिग्मा मेल कोचिंग्स में, स्कूल सेंटर में या फिर कॉलेजेस या फिर किधर भी वो कोई सेंटर में कैसे रहता है, कैसे वो बिहेव करता है, वो सब हमें जानना है। तो भाई एक मिनट भी आपकी मैं बर्बाद नहीं करने वाला। 40 सेकंड बर्बाद कर दिए, एक मिनट नहीं किया। चलो सच तो कह रहा है, जब वो कोई कोचिंग सेंटर में घुसता है या फिर स्कूल या फिर कॉलेज या फिर वो कहीं पे आराम से बैठा है, तो पहली बात वो बातें कम करता है, ही टॉकलेस। क्या He talkless. Duolingo, you could have sponsored me and मैं तुम्हारा ऐड कर दे। पूछा किसी ने नहीं पूछा। महान वीआईपी बैठा है या फिर पर्सन बैठा है, ये बंदा फालतू में बकवास नहीं करने। अच्छा तो एक तरफ इसने कहा है कि चाहे सिग्मा मेल के बाजू में कोई एंड्रयू टेट बैठा हो या उसके बाजू में कोई अमेजिंग रामू बैठा हो। तो ओके सर, समझ गए। चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे बट वो फोकस रहेगा। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बट जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो कर रहा है उस। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो कोचिंग सेंटर में क्या कर रहा है? जमीन हिलाने आया है क्या? पढ़ने आया लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो फोकस्ड है। भाई क्या कर रहा है? रिंकी का नंबर मांगने पे फोकस्ड है, ये क्या बात हुई? कोचिंग सेंटर्स में सिग्मा मेल कौन? भाई कोचिंग सेंटर में सिग्मा मेल, दो मिनट के लिए कोई बंदा बाहर जाता है ऐसे सीट पे पानी डाल दे ताकि पिछवाड़ा गीला हो जाए उसका, सामने वाले का। ऐसे लोगों को तुम सिग्मा मेल बनना सिखाना चाहते हो। सेकंड पॉइंट, वो बंदा कभी भी किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे इसने सेकंड पॉइंट का, मेरे को लगा दो मिनट में विमल थूकने वाला है। कोई नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट डे हमारा होता है, तो अपने दिमाग में क्या होता है कि भाई क्लास की वो कौन सी सुंदर कन्या है जिससे मैं बात कर पाऊँ। सुंदर कन्या? भाई लड़की भी तो कह सकता है। सभी से बात करेंगे, सभी के बारे में जानेंगे करेंगे, भाई यही तो मजा है। सभी के नंबर ले लिया, व्हाट्सएप नंबर ले लिया, इंस्टाग्राम आईडी ले ली, क्या है भाई नाम, क्या कर। लड़की का इंप्रेशन तो ठीक है, सब में लड़के भी आते हैं, तो सभी इंप्लाई कर रहे हैं। रामू भाई क्या चल रहा है? तो ये तू ये है तू वो है, अरे भाई ये सब पागल, ये भाई अपना सिग्मा मेल नहीं करता। भाई तू कॉमेडी पे हंस रहा है या अपनी लाइफ के ऊपर हंस रहा है? आई कैन टेल 90% ऑफ द चीजें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा है। पता है ये सिग्मा मेल कैसे बना? मैं बताता हूँ अमेजिंग रामू की हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। अमेजिंग रामू को एक दिन एक लड़की पसंद थी, तो अमेजिंग रामू ने विमल खाया एंड वो विमल की पिचकारी से उसने दीवार पे उसका नाम लिख दिया, लेकिन वो लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया। तब से रामू एक सिग्मा मेल बन गया जो किसी की सोचता नहीं, किसी का उसको फर्क नहीं पड़ता। And that is the sad story of Ramu the Sigma male. करता। उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दूसरों के बारे में जानने में, क्या वो कर रहे हैं, क्या उस। ये सिग्मा मेल नहीं, एंटी सोशल और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की बात कर रहा है। आधे से ज्यादा जो ये सिग्मा मेल बनने की हरकतें हैं, ऐसा लगता है कोई दिमागी रोग का पेशेंट है। के इंस्टाग्राम पेज पे 3-4 मिलियन है या फिर कुछ भी नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ सिग्मा मेल्स ऐसे होते हैं जो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अधरंगी स्थिति में अपने फोटोज पोस्ट कर देंगे, है ना रामू? चाहे वो उसे अटेंशन दे या फिर ना दे, उसे फर्क नहीं पड़ता। खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो खुद को लेके क्या है,
उसके दिमाग में थॉट्स क्या चल रहा है। एक सिग्मा मेल वो होता है जो अपने थॉट्स को अपने बारे में क्या लगता है उसकी बात करता है। एंड इट्स नॉट लाइक अपने बारे में सब लोग अच्छा सोचते हैं, नो, एक सिग्मा मेल वो होता है जो बार बार अपने बारे में बुरा सोचता है। यस, ये ओसीडी नहीं है, इट्स नॉट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट्स कॉल्ड बीइंग अ सिग्मा। ओके डॉक्टर, कैसे भी खूबसूरत लड़की, हॉट सेक्सी कैसे भी लड़की हो, वो बंदा उस लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता, वो सिर्फ लड़कों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। डोंट प्लीज एनीवन। अब इसका मतलब क्या है कि भाई वो किसी के सामने ऐसा झुकेगा नहीं कि भाई मेरा ये काम कर ले, मेरा वो कर ले, भाई 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 प्लीज प्लीज प्लीज। ये किसी के सामने झुकता नहीं, मतलब आई डोंट नो द लास्ट टाइम जब रामू किसी के सामने झुका था, बट आई कैन कंफर्म कि किसी काम करवाने के लिए तुम्हें लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ता, अनलेस तुम्हारी थाईलैंड ट्रिप मस्त जा रही। रामू सर, झुकने के बाद सिग्मा मेल कैसे बनते हमें सिखाओ, जब आप किसी के सामने झुक जाते हो फिर मैं सिग्मा एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट करूं, प्लीज सिखाओ। हेट कमेंट्स मिलने के बाद यूट्यूबर्स गाली दे या फिर ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। They don't share their emotions or problem। ये mental health disorder को speed run कर रहा है क्या तू? Guys, sigma male कम भाई पागलपन के दौरे लाने का जल्दी तरीका ज्यादा लग रहा है। किसी से बात मत करो, किसी को अपने emotions मत बता, जिस काम के लिए जिस जगह पे आए हो वो मत करो, लेकिन फिर भी focused रहो। ऐसे ऐसी शक्ल बनाओ जैसे 4 मिनट में तुम्हारी टट्टी ऐसे फट के निकलने वाली। रामू भाई मैं focused हूँ भाई। अपने emotions सुन के, दुख सुन के मजा ही आता है। कोई ट्राई नहीं करता भाई तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए, और सोल्यूशन वो भाई वो क्या देगा, वो अपने लाइफ से जो इसने एक्सपीरियंस किया है उससे सोल्यूशन देगा। अब उस बंदे को कैसे पता कि आपकी प्रॉब्लम है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आपकी जिंदगी अलग है उसकी जिंदगी। इमेजिन करो किसी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर इसको खड़ा कर देते हैं एंड देखते हैं दो दो लोगों को सेम बवासीर की प्रॉब्लम है, इसकी तो भाई फट जाएगी, ये कैसे हो गया, ये तो सिग्मा कोड में है ही नहीं भाई। दो लोगों की प्रॉब्लम्स भले ही सेम और एग्जैक्ट हो सकती है लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका हमेशा डिफरेंट होगा। दैट इज द मेन आइडिया जो तुझे कहना चाहिए। सामने वाले की खुद लगी पड़ी है, वो तेरी क्या मदद करेगा। इस एडवाइस को 4 मिनट तक खींच के क्यों बताना है, सीधे भी तो बोल सकता है। पता है उसकी जिंदगी में एक पर्पस है, एक गोल, एक ड्रीम है, वो सिर्फ उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पहले कहते किसी को इम्प्रेस नहीं करता, अभी कह रहे गोल्स को इम्प्रेस करता है। भाई मेरे को 4 करोड़ रुपए चाहिए, मैं क्या करूं, एटीएम के सामने लाइन मारना चालू कर दूं? ए एटीएम, तुझे पता है मैं तुझे कितना चाहता हूं, ये क्या बात हुई? अब मेरे को चाहिए ढेर सारे पैसे, अगले दिन मैं जा रहा हूं भाई अंबानी के पास, मैं कह रहा हूं हे अंबानी क्या मैं तुझे इंप्रेस कर सकता हूं? पिछवाड़े पर लात मार के भगा। भाई गोल को अचीव करते हैं, गोल को इंप्रेस कैसे करते हैं? अगर मैंने आज अपने गोल के ऊपर वर्क नहीं किया, अगर मैंने आज टाइम वेस्ट कर लिया किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो मैं कल अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। साला टाइम अलग वेस्ट हुआ और जिंदगी अलग वेस्ट हुई। हो सस्ते संदीप महेश्वरी कितनी बड़ी चीज कह दी, किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वो लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी को भी इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। तुझे देख के तो लगता है तू दोनों को इंप्रेस कर रहा है और फिर भी हार रहा है, बट व्हाटएवर। पता नहीं किस मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स बता रहा है। कह रहा है ये सिग्मा मेल है, ये है, वो है। अब देखो लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सक्सेस तुम्हें खुद ही लानी पड़ेगी, क्योंकि अमेजिंग रामू जैसे लोगों के सिर्फ नाम में अमेजिंग होता है। रामू जैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ ज्यादा नोटवर्दी किया नहीं है, इनसे मोटिवेशन एडवाइस ना ही लो तो अच्छा है। तो देखो यार, अगर तुम्हें लाइफ में सही में काम करना है, अगर तुम्हें सही में कुछ चाहिए, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, और कोई है ही नहीं, देयर इज नो अदर वे आउट। You have to work towards the goal, you have to work towards it yourself. तुम्हें किसी की एडवाइस मिल सकती है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी की एडवाइस चीट कोड की तरह तुम्हें डायरेक्ट किसी जगह तक पहुंचा देगी। You have to work hard. यार, have friends, दोस्त बनाओ, रो हगो, टट्टी वट्टी करो, एक दूसरे के साथ घूमो फिरो, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा बहुत घूमना है तो चलो, लेकिन हाँ तुम्हारा एंजॉयमेंट इतना नहीं होना चाहिए कि तुम अपने पर्सनल एम्बिशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह को गिरा दो जस्ट टू बी विद समवन। अदर देन दैट, एंजॉय योर लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल। इट डजंट हैव टू बी लाइक कि तुम्हें अपने गोल की तरफ ही काम करना है एंड तुम्हें खुश रहना ही नहीं है, जैसे ये कर रहे हैं, दोस्त नहीं बनाने, लड़की को नहीं बात करनी, लड़के से नहीं बात करनी, ऐसा नहीं है भाई। यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। सो एनीवेज, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा तो भी कर देना। Bye. अपनी कुर्सी की पेटी भान मोहसम बिगड़ने वाला है।